हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आज बेंगलोर रेस का स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैं बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, जो कल होने वाली है। फ्राइडे 30 दिसंबर 2022। एंड उसके पहले बता दूँ, आज दिल्ली का रेस था एंड मद्रास, दोनों सेंटर मैंने आप लोग को स्ट्रॉन्ग हॉर्स दिया था, जिसमें आप लोग को बोला था फर्स्ट रेस में नंबर 9 एंड नंबर 10, मद्रास की बात जो है मद्रास में, वो आप लोग स्ट्रांगली खेलो, अगर फेवरेट बने तो विन, और नहीं तो विन प्लेस। नंबर 9 लेडीज इन आया, 1.5 का भाव में प्लेस। नंबर 10 थ्री ऑफ काइंड, वो भी प्लेस आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को मैंने दो हॉर्स तो स्ट्रांगली बोला था खेलने के लिए, वो है फोर्थ रेस में द अवेकनिंग, वो हॉर्स मैं बोला था ये घोड़ा जीतेगा ही नहीं। मैं आप लोग को उसका वीकनेस भी बता दिया था कि वो 1200 का घोड़ा है ही नहीं, वो है 1400 मीटर का। और वहाँ पे बीजे जो हॉर्स आज रन किया और विन हुआ, वो मैं आपको बोला था कि विजय विन हो जाएगा, आप उसे डायरेक्टली विन खेलो, प्लेस खेलने का कोई ज़रूरत ही नहीं, जब 3.5 का भाव में आपको घोड़ा विन मिल रहा है, वो भी स्ट्रांग हॉर्स। एंड बड़ी रेस में आप लोग को बोला था फोर सेटी इच वे के लिए रहेगा, लेकिन अश्व मगध हीरा उसको नोट डाउन करके रखना, अगर 80-90 पैसा हुआ तो विन खेलो, अगर भाव बढ़ गया तो विन प्लेस देख के। वो हॉर्स भी लास्ट पार्ट में जाके सेकंड हुआ। एंड सबसे बड़ी बात, मैं आप लोग को बोला था फिफ्थ रेस में जो बच्चा रेस था क्रिसमस कप, उसमें टच ऑफ ग्रे बिग स्ट्रॉन्ग अपसेटर हॉर्स जो फेवरेट बन गया। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग हॉर्स अगर फेवरेट बने तो उसको तो विन खेल ही सकते हो आप लोग, विन नहीं तो प्लेस। 2.5 2.5 का भाव में विन था एंड प्लेस 70-80 पैसा तक दिया। ठीक है, तो आप लोग सही एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्स खेला करो, डोंट प्ले एनी रॉन्ग हॉर्स। स्ट्रॉन्ग हॉर्स पे आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा अर्निंग करने का, एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्स ऐसे ही नहीं आ जाती, मुझे भी कांटेक्ट करना पड़ता है सभी लोगों से, चाहे वो ट्रेनर हो, जॉकी हो, ऑनर हो एंड स्टेबल में काम करने वाले लोगों से भी, सभी के साथ टाई अप रहना पड़ता है, और तब जाके मुझे उन लोगों का इन्फॉर्मेशन मिलता है कौन सा ट्रेनर अपना हॉर्स को अच्छी तरह से स्ट्रांगली रेडी किया है। ऑनर लोग अपना हॉर्स के ऊपर आज पैसा लगाएगा, या फिर उसका हॉर्स आज पूरा रेडी है, वो वॉच करेगा। ठीक है, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन में ही मिलेगा। सो ट्राई टू मेक गुड कनेक्शन इन रेसिंग फील्ड, देन यू कैन अचीव योर टारगेट एंड योर यू कैन अर्न एवरी डे गुड प्रॉफिट। एंड क्या होता है, रेसिंग में आपको लॉन्गर ओट्स का घोड़ा खेलने के लिए कॉन्फिडेंट तभी मिलेगा जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रेस में सबसे कनेक्शन बनाओ, सबसे गुड रिलेशन बना के रखो, ताकि कोई भी ऑनर का घोड़ा अगर विन के लिए फुल रेडी है और आप उससे कनेक्ट करो, तो ऑनर हो या ट्रेनर हो, वो आपको बता सके कि हाँ आज उसका घोड़ा पूरा रेडी है। ठीक है, वो विन हो सकता है, तब आप लोग विन प्लेस खेलो, क्योंकि घोड़ा अगर रेडी नहीं रहेगा, आप ही मान लो 6 महीना घर में बैठे हो तो मोटा हो गए हो, तो आप क्या दौड़ के जीत पाओगे? नहीं ना। तो आपको क्या चाहिए कि आप अगर एथलेटिक बॉय भी हो, एथलेटिक मैन हो, ठीक है, यू आर गुड, यू हैव गुड स्टेमिना टू रन, एंड अगर 6 महीना बैठ जाए या 2 महीना, तो आप जीत नहीं पाओगे। आपको फिर से अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कम से कम 4-5 दिन का ट्रैक करना जरूरी होता है। सेम थिंग हैपन इन रेसिंग फील्ड ऑल्सो,
रेस में भी क्या होता है, जो घोड़ा ट्रैक किया है और उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑनर लोग ये घोड़ा को विन कराने का कोशिश करेगा, और उसको अगर भाव, अगर 4-5 का भाव मिल गया तब तो घोड़ा फुल रेडी है, सोच लो, ठीक है। और अगर फेवरेट बन गया ऑन मनी, ठीक है, या इवेंट मनी 11-10, तो वो घोड़ा भी जीतेगा, लेकिन उस पे ऑनर लोग खुश नहीं होता है, या ट्रेनर लोग, वो लोग चाहते हैं कम से कम 1.5 का भाव हो, 2 का भाव हो, या 5-5 का भाव में ज़्यादा घोड़ा जीतता है उन लोगों का। बाद में वो घोड़ा फेवरेट बन जाता है, जैसे देखते नहीं कल फन एंड लाफ्टर जो था मैसूर में 7th रेस में, वो 7 या लास्ट रेस में था, वो कैसे 10 का भाव से फेवरेट बन गया, इवन मनी हो गया 90 पैसा, और वो घोड़ा जीत गया, 10-1 ओपन हुआ था। तो इसीलिए रेस में आप कनेक्शन बनाओ, वीडियो को स्किप करके आप देखोगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका ही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा कि मैंने क्या बोला, क्या आपको जानना चाहिए। ओके, तो आप एवरी डे 10 मिनट दिया करो इस वीडियो के लिए, एंड 10 मिनट आप देखो कि मैं क्या बोलता हूँ, एंड मैं जो जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स बताता हूँ उसको नोट डाउन करके रखो, रेस के टाइम में पैडक में देखो घोड़ा कैसा है और भाव क्या खुला। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अंदर से मिलता है तो फिर आप पैसा दमदार लगाओ और एवरीडे गुड अर्निंग का कोशिश करो। गलती खेलोगे लॉस होगा ही, अगर स्ट्रांग हॉर्स भी है तो समटाइम क्या होता है, स्ट्रांग हॉर्स भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा स्ट्रांग हॉर्स गलत है, सब स्ट्रांग हॉर्स गुड रहेगा, क्योंकि स्ट्रांग हॉर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही रहता है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे रहता है। सो नोट डाउन गुड एंड स्ट्रांग हॉर्स इन फर्स्ट रेस ऑफ बैंगलोर। देखो, नंबर 1 सी इज इनोसेंट, ये रिस्की हॉर्स है। नंबर 2 मास्टर ऑफ सक्सेस, देखो ये लास्ट टाइम जब रन किया था स्लो स्टार्ट हो गया और 11 का पोजीशन लेते हुए वो 9 का पोजीशन पे आया, तो ये घोड़ा गुड है, ये प्लेस आ सकता है, विन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये रिस्की है। आर्टियाना, ये हॉर्स देखो बड़ा घोड़ा बाल्टीमोर एंड शाबिल के साथ रन किया हुआ है, ये घोड़ा दमदार है, ठीक है, बट ये आप बेटिंग करने जाओगे तो थोड़ा रिस्की बन जाएगा, क्योंकि 1400 मीटर का है और ये क्लास 5 में फर्स्ट टाइम जा रहा है, इसको कम से कम 60 किलो देना चाहिए, लेकिन 59 किलो है, तो 59 किलो भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बेटिंग। कंट्री ज्वेल, ये हॉर्स स्ट्रांग हॉर्स है, इसको नोट डाउन करके रखो, इसको अगर फेवरेट बनता है तो विन प्लेस खेलना, फेवरेट नहीं बनता है तो फिर गुड प्लेस करके खेलो। नंबर 5 ही इज़ द वन, ये हॉर्स भी गुड रहेगा, लेकिन फिलहाल बेटिंग के लिए रिस्की है, बट जॉकी सलमान खान गुड इम्प्रूविंग जॉकी है, और ये अभी लगभग सभी हॉर्स को विन कराने का कोशिश करता है, मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे साकलिन, एस साकलिन जो था, जो अभी फिलहाल रिकवरिंग उसका चल रहा है, गुड रिकवरिंग हो रहा है, वो जल्दी ही कम बैक करेगा फिर से रेसिंग में, आई थिंक जनवरी के लास्ट में साकलिन आ जाएगा राइडिंग में। जो भी हो, देखो नंबर 5 ही इज़ द वन, इसको आप लोग वॉचिंग के लिए रख लो कि ये घोड़ा कैसा रन करता है, क्योंकि जॉकी इज अ गुड जॉकी, एंड हॉर्स अगर सही परफॉर्मेंस दिया तो ये इच वे में आ जाएगा। नंबर 6 कमांड पोस्ट, ये हॉर्स रिस्की हॉर्स है और इसका एज भी 7 इयर्स हो गया है, इसको मैं अगर बोलूँगा ब्रदर प्लेस खेलो तो भी आप नहीं खेलोगे, क्योंकि ये घोड़ा ही ढीला घोड़ा है, कमज़ोर घोड़ा है, इसको आप छोड़ दो। नंबर 7 कोची निवा, ये हॉर्स भी रिस्की हॉर्स है और जॉकी का क्लेमिंग 3 kg अलाउंस है,
तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि इसको प्लेस में लाया जा सके। बट फिलहाल ये 1400 मीटर का रेस है और ये हॉर्स विन होना या प्लेस होना रिस्की है, तो इसको आप लोग छोड़ दो। नेक्स्ट स्टार सिटीजन, ये हॉर्स भी रिस्की हॉर्स है, इसको आप लोग ना ही खेलो तो बेटर है, क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग हॉर्स खेलो, चाहे आपको 2 रुपये मिले या 2,000 या 2 लाख, लेकिन खेलो स्ट्रॉन्ग हॉर्स। डोंट ट्राई टू प्ले ऑन एनी रिस्की और रॉन्ग हॉर्स, उस पर आपका लॉस हो सकता है। अब देखो नंबर 9, ये तो यहाँ का विनर हॉर्स लग रहा है मुझको, क्योंकि देखो ये 1400 मीटर में कहीं भी रहे आके सेकंड लग रहा है, थर्ड लग रहा है, फोर्थ लग रहा है, ठीक है। और लास्ट टाइम मेगा सक्सेस के साथ, मेगा सक्सेस उस दिन मैंने आप लोग को बोला था स्ट्रॉन्ग हॉर्स विन के लिए, वो विन हुआ था, उसके बिहाइंड में ये क्लोज फोर्थ लगा है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स जो है स्टार मार का, वो है नंबर 9 रीगल फोर्स। अगर ये क्या यही फेवरेट है, यही फेवरेट बनेगा, इसको नोट डाउन कर लो एंड आप लोग जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स बताया उसको खेलो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रेस, तो फर्स्ट रेस का मिल गया आपको, आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग हॉर्स को रेस के टाइम में ओट्स देखना है, व्हाट इज द डिवेंट एंड उसका स्ट्रांगनेस देखना है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ करेंट इन पैडक ऑफ ऑल हॉर्सेस, ठीक है। सेकेंड रेस में देखो, सेकेंड रेस आप लोगों के लिए गुड हॉर्स है, वो है नंबर 3 शेखमेट। ये हॉर्स लास्ट टाइम मैं आप लोग को बोला था घोड़ा बहुत ही स्ट्रांग है और घोड़ा विन के लिए जाएगा, आप लोग विन प्लेस खेलना, बट वो फेवरेट बना नहीं, 6 का भाव था, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को बुक में, देखो या रेस कार्ड है तो रेस कार्ड में देखो, ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन देखो। लास्ट डे ये 1400 मीटर में ही रन किया था, 9 का पोजीशन से आके सेकंड लगा, आज भी ये स्ट्रांग हॉर्स है नंबर 3 सेगमेंट, और ये घोड़ा विन हो सकता है, बट 200 मीटर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, प्लस 2 kg अलाउंस भी बढ़ रहा है, हैंडी बढ़ रहा है, अलाउंस नहीं हैंडी। तो ये हॉर्स आप लोगों को लगेगा कि ना आज ये रिस्की हॉर्स है, आज खेलना सही नहीं है, बट ये थिंकिंग मत रखो, जो स्ट्रांग हॉर्स है उसके ऊपर 5 किलो ज़्यादा भी मिल जाए तो भी वो चला जाएगा, विन हो जाएगा, ठीक है, या प्लेस हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रखो, और ये अगर फेवरेट बनता है तो विन खेलो, अगर आपको इस हॉर्स पे प्लेस मिला, कोई भी अमाउंट अगर प्लेस है, चाहे वो 50 पैसा हो 80 पैसा हो, इसको आप लोग प्लेस जरूर खेलना, ज़्यादा करके बिग मनी। और एंड इसमें जो रिमेनिंग हॉर्स है वो देखो, इमरेल्डो रिस्की, सदर्न एरिस्टोक्रैट, ये भी गुड हॉर्स है, बट इन कंपेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग हॉर्स ये नहीं जीत सकेगा, अगर जीत जाए तो अलग बात है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो इस वे के लिए। नंबर 3 सेगमेंट आपको बता ही दिया हूँ। नंबर 4 स्पीड 7, ये भी इस वे के लिए रहेगा लेकिन रिस्की हॉर्स है। नंबर 5 बाबा बॉस रिस्की हॉर्स, नंबर 6 लुमिनरी स्टार रिस्की हॉर्स, नंबर 7 मेमोरेबल टाइम, ये भी रिस्की हॉर्स है। नंबर 8 एग्जाल्टेड रिस्की हॉर्स, एग्जाल्टेड ड्रीम। तो देखो यहाँ पे जो बिग अपसेटर अगर बनता है कोई हॉर्स, तो वह है नंबर 8 एग्जाल्टेड ड्रीम, ठीक है। तो इसको खेलना नहीं है, बिकॉज ये विन होने के लिए पहले स्ट्रॉन्ग हॉर्स को मारना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये विन होगा। तो बेटर है आप फॉलो करो सिर्फ स्ट्रॉन्ग हॉर्स को। थर्ड रेस देखो, बच्चा रेस है थर्ड रेस, और बच्चा रेस का ट्रिक आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था कि लोकल जॉकी, जो भी कोई सेंटर हो, जिस सेंटर का रेस हो रहा है उस सेंटर में लोकल जॉकी जो स्ट्रांग है, सबसे अच्छा है, लोकल जॉकी में सबसे बड़ा जॉकी, उसको आप लोग विन प्लेस खेलो। तो देखो, PS चौहान नंबर 1,
डबल स्कॉच, इसको राइड कर रहा है पी एस चौहान, ये बैंगलोर का जॉकी नहीं है। डायनामिक फोर्स, इसको राइड कर रहा है अक्षय कुमार, ये भी बैंगलोर का जॉकी नहीं है। ग्रैंड पार नंबर थ्री, इसको राइड कर रहा है पी ट्रेवर, ये भी बैंगलोर का जॉकी नहीं है। नॉटी चैलेंजर, ये इसको राइड कर रहा है नजरुल आलम, ये बैंगलोर का जॉकी है, नोट डाउन करो इस जॉकी को। एंजैक पिपरनल, वाई एस श्रीनाथ राइड करेगा, ये भी बेंगलोर का जॉकी नहीं है। फॉन्डनेस ऑफ यू, इसको राइड करेगा सूरज नायडू, ये बेंगलोर का जॉकी है। तो इस रेस में आपको बेंगलोर का दो जॉकी मिला, एक नंबर फोर हॉर्स नॉटी चैलेंजर को राइड करने वाला नजरुल आलम, एंड दूसरा फॉन्डनेस ऑफ यू, इसको राइड करने वाला सूरज नायडू। एंड आपको क्या बताया था कि लोकल जॉकी में जो स्ट्रांग रहेगा, जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा, उसको आप लोग खेलो। तो स्ट्रांग एंड बेस्ट जॉकी हुआ सूरज नायडू। बच्चा रेस में आपको हॉर्स नहीं देखना है, डोंट नीड टू चेक हॉर्स या स्टेटस ऑफ हॉर्सेस, ओके। बेबी रेस में आप सिर्फ देखो लोकल बिग जॉकी कौन सा है। तो इस रेस में लोकल बिग जॉकी सूरज नायडू है, आप इस हॉर्स को नोट डाउन करो और इसको आप लोग विन प्लेस खेलो। एंड इसके अलावा कोई अगर हॉर्स गुड है तो वो फिलहाल आप लोग को पैडक में पता चल जाएगा, पैडक में आप लोग देख लेना, ठीक है। जो पैडक में आप लोग को गुड लगे, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, उसको खेलो। बट ट्रिक हमेशा फॉलो करो, ट्रिक फेल नहीं होता, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया तब तो बात ही कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ रेस देखो, फोर्थ रेस में जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वो है नंबर फाइव कैस्टानीडा। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बोला था ये घोड़ा स्ट्रॉन्ग हॉर्स है और इसको नोट डाउन करो विन प्लेस के लिए। बट वो हॉर्स क्या हुआ था कि स्लो स्टार्ट किया, स्लो मतलब गुड जंप लिया बट पीछे रह गया हॉर्स, और सिर्फ 400 में देखो इतना स्पीड इसका स्टेमिना था कि वो पीछे से आके क्लोज फोर्थ लग रहा है सुपर कैन के साथ, जो कि क्लास फोर का डिवीजन वन था। डिवीजन वन में 55 kg लेके रन किया था। आज देखो आज भी 55 है। उसके कंपेयर में देखो नंबर टू स्टॉर्मी ओशन, ये हॉर्स ऑलरेडी 1600 m रन किया हुआ है फेवरेट होके, ट्रिपल विश के साथ रन किया, ठीक है। और ये सेकंड पोजीशन से सेकंड ही रहा। ये मत सोचना कि जो विनर हॉर्स है वो पीछे से आके विन हुआ, पीछे से आके विन नहीं हुआ था। ट्रिपल विश जो था उस दिन मैं आप लोग को बोला था ट्रिपल विश गुड एंड बिग अपसेटर, वो हॉर्स विन हुआ था। और उसके कंपेयर में ये हॉर्स मैं आपको बोला था कि ये हॉर्स विन नहीं होगा, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि स्टॉर्मी ओशन ये गुड विन है। यहाँ पे इसको स्ट्रांगली स्टार मार्क करके रख लो गुड विन। एंड सेकंड जो बेस्ट गुड स्ट्रांग हॉर्स है वो है नंबर फाइव कैस्टानीडा, कैमरन का पेडिग्री से बिलोंग कर रहा है। और कैमरन आप लोग को पता होगा विजय माल्या के अंडर में बहुत बड़ा घोड़ा था जो डिस्टेंस रेस करता था, 2400 m, 2000 m, बहुत सारा रेस जीता हुआ है। तो यही दो हॉर्स है, रिमेनिंग हॉर्स आप छोड़ दो, जॉकी आपको बड़ा दिखेगा बट वो खेल के आपका नुकसान हो जाएगा। तो नंबर टू को विन के लिए रखो एंड नंबर फाइव प्लेस के लिए, बस जिसको प्लेस खेलना है प्लेस खेलो, जिसको विन खेलना है विन खेलो। रिमेनिंग हॉर्सेस आर रिस्की, एक बार चेक कर लो कौन कौन सा हॉर्स है। फोर्थ रेस नंबर वन ट्विलाइट टोर्नाडो,
नंबर टू स्टॉर्मी ओशन, नंबर थ्री एक्वामेटिक, नंबर फोर बंक्सी, नंबर फाइव कैस्टानीडा, नंबर सिक्स ब्रूस अलमाइटी, नंबर सेवन रूल ऑफ लॉ। फिफ्थ रेस, फिफ्थ रेस में देखो, इसमें आपको नाइन हॉर्सेस में एक हॉर्स निकालना है, गुड हॉर्स जो रहेगा उसको आप लोग खेलोगे तो वहाँ अर्निंग होगा। इसमें देखो नंबर एट गोल्डन टाइम, ये लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बोला था स्ट्रांग हॉर्स है, फेवरेट बनेगा तो विन खेलना, और वो फेवरेट बन के विन भी हुआ, 6.5 पौने 7 लेंथ से जीता था। देखो डॉक्टर लोगन को मारा था, ठीक है। और आज इस रेस में जो स्ट्रांग एंड गुड हॉर्स है उसको आप लोग नोट डाउन कर लो। पहले मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा हॉर्स है टोटल। नंबर वन ग्रीन चैनल, नंबर टू मेमोराइटर, नंबर थ्री सिल्वर ड्यू, नंबर फोर एलुजिव गर्ल, नंबर फाइव सदर्न रूलर, नंबर सिक्स द रेस्पॉन्स, नंबर सेवन सदर्न पावर, नंबर एट गोल्डन टाइम, नंबर नाइन बेनिडिक्शन। इसमें जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वो है नंबर सिक्स द रेस्पॉन्स, इसको आप लोग स्ट्रांगली नोट डाउन करके रखो। यही हॉर्स विन होने के लिए फुल चांस होना चाहिए, और प्लेस तो इसका बनता है क्योंकि ये घोड़ा स्ट्रांग हॉर्स है। दिस इज अ स्ट्रांग हॉर्स, नोट डाउन दिस हॉर्स फॉर इच वे। रिमेनिंग हॉर्सेस आर रिस्की इन कंपेयर ऑफ दिस हॉर्स। सिक्स रेस, सिक्स रेस में तो आप लोग को बताने का जरूरत नहीं, आज 2000 गिनीज बैंगलोर, बैंगलोर नहीं मद्रास में पी एस चौहान विन हो गया। अब बैंगलोर में भी आप इसको ही नोट डाउन करके रखो, यहाँ हॉर्स का कोई काम नहीं है। हॉर्स चाहे दमदार हो या कमजोर हो, ये रेस देखो ये ट्रॉफी रेस है, द कर्नाटका पुलिस ट्रॉफी, ठीक है। और इसको सिर्फ दो ही जॉकी में से एक जॉकी ले सकता है, वो है ट्रेवर या फिर चौहान, ठीक है। और सूरज नायडू ये छोटा छोटा ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं रहता, उसको चाहिए बड़ा ट्रॉफी, जैसे सन लेजर, इनविटेशन, डर्बी, वो सब में मिलियन, वो सब में सूरज नायडू को आप लोग खेलोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। सभी रेस हॉर्स के ऊपर मत खेलो, हॉर्स को देख के खेलोगे तो आप लॉस होगे, जॉकी को भी देख के खेलोगे तो भी लॉस होगे। आपको समझना होगा कौन सा रेस हॉर्स के बेस पे खेले, कौन सा रेस जॉकी के बेस पे। तो ये रेस जॉकी के बेस पे खेलो, पी एस चौहान इसको आप खेलो गुड विन करके। और इसके कंपेयर में ट्रेवर है, सूरज नायडू है, ये दोनों में से कोई एक हॉर्स, कोई एक जॉकी अपना हॉर्स को प्लेस कराएगा, या हो सकता है ये दोनों थोड़ा रिस्की हो जाए, लेकिन ये दोनों के कंपेयर में पी एस चौहान बहुत बड़ा जॉकी है, स्ट्रांग जॉकी, एंड इसका परफॉर्मेंस सबसे अलग है, ठीक है। ये कोई भी हॉर्स को पीछे से लाके विन करा देता है। देखो मिराकल देखो, सुपर नेचुरल देखो, इमोर्टलिटी देखो, कितना हॉर्स इसने अच्छे तरह से राइड किया है। तो डेवेलर्स जो है ये गुड विन करके रखो, क्योंकि इसके ऊपर बिग जॉकी बैठा है पी एस चौहान, और पी एस चौहान इतना बड़ा जॉकी है कि इसको सब पता है कि हॉर्स कैसे रन करेगा कि घोड़ा विन हो जाए, ठीक है। और आई थिंक ये हॉर्स को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, जैसे गेट खुलेगा गुड जंप लेके लीड लेते हुए आराम से जीत जाएगा। बट रेस है, आप लोग देख के करना, भाव मिले। आई थिंक ये फेवरेट तो नहीं है, 2.5 का भाव रहेगा, 2.5 3 3 का भाव रहेगा। अगर 4 साढ़े 4 का भाव मिल गया तो और भी अच्छा, तब तो ज़्यादा करके आप लोग खेलो, ठीक है। तो भाव के ऊपर देख के खेलना, जैसा हॉर्स रहेगा उस तरह से खेलो। रिमेनिंग हॉर्स छोड़ दो, रिस्की है। सेवेंथ रेस, सेवेंथ रेस भी सेम तरह से है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा चेक करना होगा कि कौन सा हॉर्स गुड है। यहाँ पे हॉर्स भी गुड है, प्लस
आप लोग को कंफ्यूजन करने के लिए जॉकी को ठीक से सेट नहीं किया गया है। यानी जॉकी देख के खेलोगे तो भी इसमें लॉस खा जाओगे, हॉर्स देख के खेलोगे तो भी लॉस खा जाओगे। ये रेस है जिस जॉकी में अलाउंस है, जिस जॉकी को अलाउंस मिला हुआ है वही हॉर्स यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, ठीक है, एंड विन होने का भी फुल चांस है। तो देखो दो जॉकी है जिसका क्लेमिंग क्लेमिंग अलाउंस 3 kg है, वो है नंबर 2 किंग स्पीच को राइड करने वाला दर्शन एंटोनी, एंड नंबर 6 डॉक्टर लोगन उसको राइड करने वाला जॉकी एल अलेक्स रोजारियो। अब देखो ये दोनों में किसको खेलना है, रिमेनिंग हॉर्स रिस्की है, रिमेनिंग हॉर्स खेलने का कोई ज़रूरत नहीं। तो देखो नंबर 2 किंग स्पीच 5 ईयर्स ओल्ड का है, नंबर 6 डॉक्टर लोगन ये है 8 ईयर्स ओल्ड का। तो आपको 8 ईयर्स को कट कर देना है, नंबर 2 किंग स्पीच 5 ईयर्स ओल्ड है, इसको आप लोग नोट डाउन करके स्टार मार का स्ट्रॉन्ग हॉर्स बना के रख लो, ये हॉर्स कल जीत जाएगा, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग हॉर्स जो है पेलूच, ये रिस्की हो जाएगा, इको फ्रेंडली रिस्की हॉर्स, एलमेंट रिस्की हॉर्स, क्वीन रेगनेंट रिस्की हॉर्स, डॉक्टर लोगन रिस्की हॉर्स, लिकर अगूस रिस्की हॉर्स, जेने सिकुआ रिस्की हॉर्स। जबकि यहाँ पे देखो बिग एंड स्ट्रॉन्ग जॉकी भी है, वाई श्रीनाथ, ए इमरान खान एंड आर एन दर्शन, के साई कुमार, ये जॉकी बहुत स्ट्रांग है इन कंपेयर ऑफ दर्शन एंटोनी। बट विन कौन होगा, दर्शन एंटोनी, बिकॉज ये रेस जो है वो मेरे कॉन्सेप्ट में जिस जॉकी का क्लेमिंग अलाउंस ज़्यादा है वो विन होगा। क्लेमिंग अलाउंस नंबर 7 लिकारागुस को राइड करने वाला पी सिद्धा राजू उसका भी है, लेकिन उसका -4 kg है, एंड वो हॉर्स भी 8 ईयर्स ओल्ड का है, एंड उसके पास हिप भी नहीं है। तो ये कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि नंबर 7 नहीं आएगा, नंबर 6 भी नहीं आएगा, नंबर 2 विन प्लेस के लिए चांस ले लो, गुड हॉर्स स्ट्रॉन्ग हॉर्स, ठीक है। अब देखो लास्ट रेस, लास्ट रेस आपको क्या करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है। देखो हर रेस ट्रिक पे भी होता है, इंफॉर्मेशन भी पे भी होता है, जॉकी के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड सम हॉर्स सम रेस हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग रेस जब भी खेलो तो सभी कुछ ध्यान में रख के खेलो कि कौन सा रेस किसके बेसिस पे होता है, व्हाट टाइप ऑफ रेस विल गिव द रिजल्ट ऑन व्हाट विल बी द फैक्टर ऑन दैट रेस, देर आर मैनी फैक्टर्स। जॉकी कुछ रेस होता है जॉकी के फेवर में, कुछ रेस होता है हॉर्स के फेवर में, कुछ रेस होता है क्लेमिंग जॉकी के फेवर में, ठीक है। तो ये आपका सिक्स सेंस यूज करोगे एंड ट्राई करो रेसिंग फील्ड में कनेक्शन बना के इंफॉर्मेशन ग्रैब करने का, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओगे तो यू विल बी विनर इन द रेस कोर्स। लास्ट रेस नोट डाउन द हॉर्सेस डिटेल्स, नंबर 1 प्रिंसेस जैस्मिन रिस्की हॉर्स, नंबर 2 सिंह साब रिस्की हॉर्स, नंबर 3 रोरिटो रिस्की हॉर्स, नंबर 4 अल्टा मोंटे गुड एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्स, नंबर 5 थंडर स्ट्रक रिस्की हॉर्स, नंबर 6 स्वीट किस रिस्की हॉर्स, नंबर 7 अपोलो लाइट रिस्की हॉर्स, नंबर 8 एलाइट एजेंट गुड स्ट्रॉन्ग फाइटिंग हॉर्स। यू कैन प्ले इच वे ऑन दिस हॉर्स। नंबर 9 प्रायडो कसिनो रिस्की हॉर्स। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स आप लोग को बताया उसके ऊपर खेलो, एंजॉय करो, रेसिंग आपको गुड मनी देगा। डोंट प्ले एनी रॉन्ग हॉर्स, प्ले ऑलवेज ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स एंड ट्राई टू प्ले ऑलवेज ऑन गुड एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके एंजॉय।